14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे वाले दिन बाबर आजम जालिमी हो गए, बाबर आजम बेकाबू हो गए। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए बाबर आजम क्यों जालिमी हो गए, आखिर बाबर आजम इतने ज्यादा बेकाबू क्यों हो गए, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि भैया PSL आप जानते हैं चल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग के धमाकेदार मुकाबले चल रहे हैं जिसमें कराची किंग्स और साथ ही साथ पेशावर जालिमी के बीच में 14 फरवरी को एक मुकाबला खेला गया जिसमें पेशावर जालिमी ने 2 रन से मुकाबले को अपना बना लिया। उसके बाद पेशावर जालिमी के कप्तान साहब बाबर ने मोहम्मद आमिर जो कि कराची किंग्स के बॉलर हैं उनको धुलाई कर दी, उनकी धुलाई कर दी, पिटाई कर दी, हर तरीके से उनको बजा दिया, बैंड बाजा शहनाई उनकी सब बजा दी। और ये वही मोहम्मद आमिर हैं जिन्होंने अभी मैच से पहले, मुकाबले से पहले बाबर आजम को ये बोला था कि भैया बाबर आजम की बैटिंग अच्छी नहीं है, बाबर आजम 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए तो ही ठीक है, यानी बाबर आजम की बैटिंग ऐसी है कि जैसे कोई टेल एंडर खेल रही हो, यानी कोई लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज खेल रहा होगा, इस तरीके की बाबर आजम की बैटिंग है। तो ऑल इन ऑल बाबर आजम ने बदला ले लिया और क्या धुलाई करी है मोहम्मद आमिर की और इतना बहुत ही ज्यादा पिटाई करी है कि मोहम्मद आमिर को विकेट तो नहीं मिला लेकिन उनके रन्स, उनके खाते में रन्स बहुत ज्यादा आ गए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबर आजम बेकाबू हो गए, बाबर आजम बेरहम हो गए थे मोहम्मद आमिर में। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैच का हाल क्या रहा कल के। मैच का हाल देखिए, दरअसल मैच में 46 गेंदों पर 68 रन ठोकने वाले बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर की ऐसी कुटाई की कि उन्होंने 4 ओवर में ही 10 से ऊपर की इकोनॉमी से 42 रन दे डाले और कोई विकेट भी नहीं ले पाए। आमिर की इतनी बुरी हालत की वजह तो बस उनके बस उस बयान की देन ही हो जाती है जो उन्होंने मैच से पहले दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आजम और 11वें नंबर का बल्लेबाज मेरे लिए एक समान है। देखा आपने मोहम्मद आमिर की बहुत कुटाई करी है और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वो वीडियो वायरल जरूर हो रही थी जिसमें मोहम्मद आमिर कह रहे थे मेरे लिए लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज 11वें नंबर पर जो बल्लेबाजी करता है शख्स और बाबर आजम इन दोनों की बैटिंग एक समान है। लेकिन बाबर आजम ने कल क्या परफॉर्म किया, उसने मोहम्मद आमिर की पिटाई नहीं की है, सारे प्लेयर्स कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स की पिटाई की और साथ साथ कराची ने कराची को हार दे दी है और पेशावर जालिमी ने 2 रन से ये मुकाबला, ये बड़ी जीत अपने नाम कर ली है। कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि बाबर आजम की बल्लेबाजी कैसी लगी आपको। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।